There are two major nations, the Hindus and Muslims. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. Muhammad Ali Jinnah. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। और आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू वही जिसके मनाजिर आपने प्रोग्राम के इब्तदाई में देखे। शामी साहब, 77वां यौम पाकिस्तान, 23 मार्च 1940 को 77 बरस बीत गए और यौम पाकिस्तान आज हम मना रहे हैं बड़े ही रिवायती और कौमी जोश व जज्बे के साथ। और इस दिन को चार चांद लगते हैं, वो जो शानदार परेड होती है इस्लामाबाद में उससे। और उस परेड की आज ख़ास बात ये थी कि उसमें सऊदी अरब, चीन और तुर्की के खसूसी दस्तों ने शिरकत की और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। और जनूबी अफ्रीका के जनरल जो जी वो भी मौजूद थे, वो भी मौजूद थे वहाँ पर। और फिर तीनों मुसल्ह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे, उसके अलावा सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ भी मौजूद थे। लेकिन साथ में मैं आपको तुर्की के बैंड ने जो धुने बखेरी और जो नारे लगे वो जरा पहले देखिए, बड़े दिलचस्प हैं वो। कैसे लगे जी तुर्क भाई आपको, जीवे जीवे पाकिस्तान बजाते हुए बोलते हुए? देखिए, तुर्क भाइयों से जो हमारा रिश्ता है ना, वो तो कोई एक दिन का तो है नहीं, ये तो सदियों का है। और तहरीक खिलाफत जो है वो बर सग़ीर में चली और यहाँ की माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने अपने जेवर उतार के चंदे में दे दिए, तुर्की भेजे। तो बार बार तैयब उर्दवान जिक्र करते हैं कि हम मकरूज़ हैं मुसलमानों के, बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के जिनका वारिस पाकिस्तान है। और इसीलिए आपको याद होगा कि तैयब उर्दवान की जो बेगम है उन्होंने अपनी सैलाब के लिए, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अपने जेवर जाती दिए थे, और जो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने संभाल लिए, वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से बरामद हुए। तो बहरहाल देखिए, तुर्की, चीन और सऊदी अरब, ये पाकिस्तान की दोस्ती की जो मुसल्लस है ना, उसके ये तीन नुक्ते हैं। तीनों नुक्ते आज मौजूद थे और तीनों आज मौजूद थे और पाकिस्तान को एक नई तवानाई अता करते हैं। और पाकिस्तान जो है उनके लिए एक नई ताकत जो है वो भी फराहम करता है। लफ्ज नुक्ते में भी तीन ही नुक्ते हैं। नहीं जी, वो जो आप जनूबी अफ्रीका के जनरल का जिक्र कर रहे थे, वो चीफ ऑफ नेशनल डिफेंस फोर्स थे, जनूबी अफ्रीका के जनरल थे वो, जो खुद मौजूद थे और बड़ी दिलचस्पी से उन्होंने देखा सब कुछ और बड़ी दिलचस्पी का मुजाहरा भी। और जनूबी अफ्रीका से भी बहुत करीबी ताल्लुक है पाकिस्तान का और बर सग़ीर के रहने वालों का, वो भी पुराना ताल्लुक है। वो यहाँ से लोग गए, बिजनेसमैन वहाँ जाके सेटल हुए। और आपको पता, गांधी
गांधी जो हैं वो भी जनूबी अफ्रीका में थे और वहां से आए और फिर तहरीक आजादी की क्यादत की। अच्छा सर, उससे उसके बाद हम देखते हैं कराची के साहिल पर पाक फजाइया का शो, फिर बहरी फौज जो है उन्होंने कश्ती रानी का एक मुकाबला कराया, फिर वाहगा और गंडा सिंह बॉर्डर पर जो मनाजिर होते हैं परचम उतारने की, क्या बात है, शानदार किस्म के मनाजिर थे आज एक बार फिर से। इसके अलावा आपको बताएं नई दिल्ली में जो हमारा मजार इकबाल पर जी मजार की तब्दीली की तकरीब की तरफ भी हम आते हैं, लेकिन नई दिल्ली में देखिए नई दिल्ली में जो हमारा सफारत खाना है वहाँ वहाँ तकरीब हुई और फिर सबसे अहम तकरीब नहीं श्रीनगर में आसिया अंदराबी दुखरा ने मिलत की। कश्मीरी लीडर जो हैं उनको उस तकरीब में नहीं आने दिया, उसमें नहीं जाने दिया गया जो अब्दुल बासित साहब लगा दी गई। ये जो जमहूरियत है भारत की और कश्मीरी रहनुमाओं को इस बात से खौफ आया उन्हें कि पाकिस्तानी सफारत खाने में एक तकरीब में शरीक हो जाए, लेकिन आसिया अंदराबी ने श्रीनगर में पाकिस्तान का परचम लहराया और श्रीनगर में भी यौम आजादी मनाया गया पूरे जोशों को। श्रीनगर वाले दिखाइए हमें मनाजिर भी और साथ वहां पर जो आवाजें हमें सुनाई दे रही है पाकिस्तान के हक में। सर जमी का निजाम हुते हुते हमार सल्तनत आईना का बिंदाबाद शाबान मंजिले मुराद। खड़ा होना पड़ता है ना भाई, फिर दुख्तराने मिल्लत ने तराना पड़ा श्रीनगर में, ये बड़ी अहम तकरीब थी। देखें आज लाहौर में पंजाब ये पंजाब के स्पीकर हैं राणा इकबाल साहब पंजाब असम्बली के, उनकी सदारत में एक बड़ा इजलास हुआ, जलसा आम था। शहबाज शरीफ साहब तो इस्लामाबाद चले गए थे, वो उसमें शरीक नहीं हो सके। वो दराए कराम और तलबा और दानश्वर और मीडिया के लोग मौजूद थे, मैंने भी वहाँ तकरीर की। और उसके बाद ये कि शाम को कश्मीर से आज़ाद कश्मीर से इरशाद महमूद साहब एक ग्रुप लेके आए थे अखबार नवीसों का जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ तबादला ख्याल रहा, कुछ उनकी सुनी कुछ अपनी सुनाई। हमारे यहाँ कई चीज़ें अब कश्मीर में जो आज़ाद कश्मीर में जो नौजवान हैं उनके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान की जो रिलेशनशिप है इसको भी कुछ थोड़ा सा इसमें गौर करने की ज़रूरत है। ये सूबों को जब से खुद मुख्तारी मिली है ना, बहुत 18वीं तरमीम किताबें, तो अब यानी आज़ाद कश्मीर के लोग भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें कम अज कम वो खुद मुख्तारी की हदूद तो उनके लिए भी मुतय्यन की जाए ना जो सूबों के लिए हैं, और उनकी जो ऑटोनॉमी है उस पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है। फिर वो मंगला डैम की बात करते हैं कि वहाँ जो अगर तरबेला डैम की रॉयल्टी मिलती है बिजली की तो मंगला डैम और मंगला डैम की भी मिलनी चाहिए, तो ये वो आप कान नाक वो कान एक तरफ से पकड़ लेंगे दूसरी तरफ से। वफाकी हुकूमत बहुत सा यानी बजटरी सपोर्ट फराहम करती है आज़ाद कश्मीर को, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें मद्देनजर रख के इनको दोबारा तय कर लिया जाए और नवाज शरीफ साहब इस तरफ तवज्जो कर दें और कश्मीरी लीडरों के साथ बैठ के, तो मेरा ख्याल ये भी एक बड़ा अहम पेशरफ्त होगी और बड़ा आगे की तरफ कदम होगा। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक की जाने बढ़ने और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत ही खास मेहमान है आज यौम पाकिस्तान के हवाले से, ऐसी शख्सियत जिन्होंने 23 मार्च 1940 को अपनी आंखों से देखा, उसके यानी शाहिद हैं, उन्हीं में से एक हैं तहरीक पाकिस्तान में से, कारकुनान में से, कौन है बताएंगे आपको, उनसे खुसूसी गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था, जिक्र किया था ब्रेक से पहले, बहुत ख़ास मेहमान आज हमारे प्रोग्राम में हमको दावत दे रखी है। शामी साहब, तहरीक पाकिस्तान के कारकुन और नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के डेप्टी चेयरमैन, दो जामियात के साबिक वाइस चांसलर, मेरी मुराद पंजाबी यूनिवर्सिटी के भी वो वाइस चांसलर रहे, इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी बहावलपुर के भी वाइस चांसलर रहे, बहुत ही काबिल कदर उस्ताद हैं, मुहक्किक हैं, और नज़रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से तो उनकी खदमात और काबिल बयान है। डॉक्टर साहब जो है 23 मार्च 1940 को जो इज्तमा हुआ मुस्लिम लीग का कन्वेंशन, उसमें शरीक थे ये। जी मुराद डॉक्टर रफीक अहमद की जान। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम नुक्ता नजर में, और 23 मार्च के हवाले से आपकी मौजूदगी हमारे प्रोग्राम में, यकीनन नाज़रीन के ज़हन में बहुत से सवालात होंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे
कि तब जब आप नवी क्लास में जैसे श्यामी साहब फरमा रहे थे तब आपने क्या देखा, वो सब कुछ आपकी जानी बातें हैं, आपसे बात करते हैं। लेकिन श्यामी साहब ये करारदादे लाहौर, फिर करारदादे पाकिस्तान बनी, उसी तरह से मंटो पार्क, मंटो से फिर इकबाल पार्क और फिर ग्रेटर इकबाल पार्क, जो थे वो वायसराय थे ना एक बरतानिया के, यानी जो हिंदुस्तान में बरतानिया हुकूमत का नामजद करता उनके नाम पर ये पार्क था और फिर इसको इकबाल पार्क का नाम दिया गया। और जहां क्योंकि करारदाद मंजूर हुई थी जिस मुकाम पर कन्वेंशन हुआ था वहीं फिर फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में हमारे एक मीनार तामीर किया गया उसकी उस करारदाद की यादगार के तौर पर। बल्कि आप किस जगह और पे बताते हैं कि उसकी बुनियादों में करारदाद का एक मुसव्वदा रखा गया। जी रखा गया है मीनार पाकिस्तान। हाँ जी। अच्छा। और उसका तर्जमा भी उर्दू में जो मौलाना जफर अली खान ने किया था फिलबजी खड़े होकर उस वक्त कायद आजम के हुक्म पर। और ये हमारे बहुत नामवर दानिश्वर हैं, सरकारी अफसर रहे, मुहक्किक अदीब मुख्तार मसूद साहब जी, ये कमिश्नर थे उस वक्त लाहौर के। ठीक ठीक। उस वक्त ये तामीर हुआ और एक हमारे मियां अब्दुल खालिक साहब लाहौर के बड़े मारूफ ये थे यानी तामीर फन तामीर के माहिर, उन्होंने इसको तामीर किया। तो फिर आपको दिखाया ना कि माजी अच्छा आप उसका से कैसे गले मिल रहा है। इकबाल पार्क में पंजाब हुकूमत का जो एजाज है जो शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने वहां एक ग्रेटर इकबाल पार्क बना दिया उसको। अब यानी शाही किला, बादशाही मस्जिद, वो दिखाते हैं ना फिर आपको, एक से एक दूसरे से मिल गए, यानी माजी मुस्तकबिल से कैसे मिल रहा है, जरा वो देख तो लीजिए। पहले एक बात सुन लीजिए, एक बड़ा म्यूजियम भी यहाँ बनाया जा रहा है। और सर वो रिपोर्ट में मैं नहीं दिखाता। अच्छा चलिए आप रिपोर्ट अगर आपने उसमें बताया, हमारे तो जो म्यूजियम की जो कमेटी है ना उसमें डॉक्टर साहब भी शामिल हैं और आप भी हैं और उसमें मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, शर्मीन उबैद चौराहे वो उसको बना रही है, यानी वो सारा उसका उनके सुम्मे है, उसके उसका कंटेंट जो है जो उसमें होगा उसकी जो कमेटी है उसमें हम भी शामिल हैं। ठीक। देखिए हमारे आरिफ नदामी साहब भी हैं, डॉक्टर इकबाल चावला साहब भी हैं, ये कामरान जो हैं ये हमारे और कॉलेज यूनिवर्सिटी के ये भी हैं। ठीक है। तो और इफ्तिखार अहमद तो है ही है। ठीक। देखिए आपके माजी मुस्तकबिल से कैसे गले मिल रहा है, वो मंटो पार्क जो इकबाल पार्क बनी अब ग्रेटर इकबाल पार्क बनी है तो क्या सूरत है, देखिए। ग्रेटर इकबाल पार्क का मंसूबा 1 अरब 18 करोड़ से जायद रुपए की लागत से 13 माह की मुद्दत में मुकम्मल हुआ है। 125 एकड़ पर फैला ये अजीम पार्क अहले लाहौर के लिए एक वसीओ अरीज तफरीही मुकाम की हैसियत रखता है, जहां डांसिंग फाउंटेन्स और रंग बिरंगी रोशनियां जा बजा बिखरी दिखाई देती हैं। डीजी पार्क एंड हॉर्टिकल्चर शकील अहमद के मुताबिक इस पार्क में एक कौमी वरसा म्यूजियम भी जल्द देखने को मिलेगा। पार्क में मीनार पाकिस्तान की तज़ईन और आराइश भी की गई है। किला लाहौर और सर्कुलर रोड के दरमियान वाकई इलाका अब ग्रेटर इकबाल पार्क का हिस्सा है, जिसके चारों इतराफ में पुराना लाहौर दिखाई देता है। पार्क में तामीरात का अंदाज मुगलिया है, जिसमें जिद्दत भी दिखाई देती है। एक गोशा तमाम सूबों की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तस किया गया है। पार्क वसी होने की वजह से अब यहाँ पर बैठे अफराद के लिए मीनार पाकिस्तान, किला लाहौर, आजादी इंटरचेंज और तारीखी बादशाही मस्जिद का भरपूर नज़ारा मुमकिन होगा। और डॉक्टर रफीक अहमद साहब से खुसूसी गुफ्तगु आज के दिन के हवाले से एक ब्रेक के बाद। आज 77 बरस हो गए यौमे पाकिस्तान को, शामिल सब 77 बरस पहले जब डॉक्टर हाँ, ने देखा आप एक मिनट बहुत मुबारकबाद के पैगाम आए हैं यौमे पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन दो पैगाम बड़े अहम है जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। वो किसके? एक तो जहूरुल हसन साहब जो हैदराबाद से, ये अल्ताफ हुसैन जिन्होंने पहला कौमी झंडा जो है वो बनाया था, स्टिच किया था, ये उनके बेटे हैं। अच्छा, ये बड़ा हम उनका पैगाम आया। एक हारून रशीद ढाका में जो मैसूर पाकिस्तानी हैं, उनके नुमाइंदे हैं, उनकी जो अंजुमन है उसके अहदेदार हैं, और उन्होंने वहां से पैगाम भेजा है। ये वाकई बड़े खास मैसेज। और उनकी अहलिया जो हैं बीमार हैं, उनका ऑपरेशन होने वाला है, उसके लिए भी उन्होंने पाकिस्तानी भाई की तरफ, भाई जो है उनकी तरफ उनकी नजरें लगी हुई है कि उनको वहां से सपोर्ट की जरूरत है। आज अपने 77 बरस बीत गए, आज भी आप देख रहे हैं यौमे पाकिस्तान को। 77 बरस पहले जब लाहौर रेजोल्यूशन पेश की गई, तब आप कहां थे, क्या देखा आप
उस वक्त नवी क्लास में थे? नवी क्लास में। तो आप इस्लामिया हाई स्कूल भाटीगेट। अच्छा, तो आप वहाँ इजलास में गए? मैं इजलास में बका इसलिए कि हुआ ये था कि इस इजलास से पहले दो तीन दिन पहले बड़ा चर्चा था कि मुस्लिम लीग का जलसा हो रहा है और अखबार एहसान उस जमाने में था कि मैं गलती नहीं करता, खाकसारों पर जो गोली चली थी उसे फजा भी हुई, तो एक उसमें ज़्यादा ये बताया जा रहा था कि ये जलसा ज़रूर होगा, एक बहुत बड़े लीडर आ रहे हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमारा जो इस्लामिया हाई स्कूल में जुट था, छः सात दोस्तों का जुट होता है आपको पता है, हमने कहा भी हम जाके पहले देखें सही वो जगह क्या है, मतलब और देखा जाकर वहाँ तो उस जमाने में तो मिंटो पार की थी, तो बहुत ज़्यादा रौनक थी और सारे यानी इलाके में छोटे छोटे खैमे लगे हुए थे, इसमें पठान नजर आ रहे थे, किसमें बंगाली, किसमें दूसरे, और खाना पकाने के छोटे बहुत होटल, ये एक तो हमें बड़ा फैसिनेट। अच्छा, अब उसके बाद सडनली शोर मचा, ये को मेरा ख्याल मगरब से ज़रा पहले की बात है कि कायदे आज़म आ रहे हैं, कायदे आज़म आ रहे हैं, तो हम सारे बड़े अटेंटिव हो गए, पता चला कि वो जहाँ मीनार है उसके करीब एक यानी जो चबूतरा है उस पर रस्म झंडे की लहराने की रस्म उदय, तो वहाँ जनाब हम इकट्ठे हो गए, सच्ची बात है कायदे आज़म को पहली बार देखा, हम सारे जितने भी थे ख़ास तो हम इतने दम बखुद हुए, बिल्कुल स्ट्रेट कद, एचकन जनाब डाली हुई बड़ी जनाब इससे की हुई लगती थी, पजामा जो बड़ा चुस्त था, नीचे गुरगाबी, और ये तस्वीरें मौजूद हैं उनकी, थी दो रंग की गुरगाबी, लेकिन जिस चीज़ ने मेरे ख्याल में नौजवानों को बड़ा मुतासर किया और जिंदाबाद के नारे लगे, उन्होंने जना कैब टेढ़ी रखी हुई, यानी वो जो एक एतमाद की बात होती है ना फख्र की, तो ये ऐसी थी कि सब ने इरादा किया कि कायदे आज़म अब तकरीर कब करेंगे, पता चला कल करेंगे, तो लिहाजा दूसरे दिन मैं फिर वो बनाया, उस वक्त फिर ये हुआ, उसमें ये वाक़ हुआ कि हम जब पहुँचे वहाँ तो पिंडाल लगा हुआ था और पता चला टिकट है, और अब मैंने आजकल आजकल मैंने जो थोड़ी तहकीक की है तो पता चला 5 रुपये का टिकट था, ऐसे में रिसोर्स मोबलाइजेशन के लिए उन्होंने ये किया हुआ था, खर्चा पूरा हो जाता कि, तो ये हमें बड़ा अफसोस हुआ, गुस्से में थे, हम देखा तो कायदे आज़म की सवारी आ रही है जाने के लिए, तो हम उनके करीब चले गए, अगरचे उस वक्त जिंदाबाद के नारे भी बड़े लग रहे थे, मैं उनके करीब जाकर हम जो 5-6 दोस्त थे जोर जोर से कायदे आज़म अपन, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा। अच्छा, बिल्कुल देखा क्या, बल्कि ये फिक्र उन्होंने बोला जोरदार अंदाज में, आवाज़ तो उनकी भारी थी, वर्स्ट द मैटर बॉयज, हमने उनको बताया अपनी टूटी फूटी जुबान में कि हम आपकी तकरीर सुनना चाहे अंदर जाने नहीं दे रहे, उन्होंने जनाब बुलंद आवाज से बुलाया, मेरे ख्याल मुंतजमीन थे कि जितने नौजवान हैं इनको जाने दो और जितने नौजवान यहाँ आएंगे सबको जाने दो, तालियां बड़ी जनाब इर्द गिर्द सारी, ये उनकी मोहब्बत का आलम था। तो 5 रुपए आपके बच गए, जा ही नहीं सकते थे अंदर? नहीं बिल्कुल, सवाल 5 रुपए उस वक्त कहाँ आपके पास होते? नहीं बिल्कुल, मेरा ख्याल उसके बाद भी कई साल तक नहीं हुए, तो बात ये है कि ये ऐसी चीज है जो कि हम पर बड़ा असर उसका हुआ, और फिर दूसरे दिन फिर ये भी है, अच्छा जब हमने तकरीर के बारे में अर्ज कर दूँ, हॉल उनका जो टेंट लगे हुए थे उसमें बाग था और आधी ग्राउंड थी आधा बाग था, तो आम जो लोग नीचे बैठे हुए थे हम भी उसमें बैठ गए, तो वो जैसे मेज़ लगी होती है, और कायदे आज़म ने जब तकरीर शुरू की तो पिन ड्रॉप साइल, मैंने दूसरे दिन मुझे याद पड़ता है सिविल एंड मिलिट्री गैजेट में खासा पढ़ता था उस ज़माने में, उस एज में पिन ड्रॉप साइलेंस के लफ्ज़ उन्होंने मुहावरा इस्तेमाल किया था जो बाद में, तो कायदे आज़म ने जो तकरीर वक्फे में जिंदाबाद के नारे होते थे, हमने सारी तकरीर सुनी, सच्ची बात है कि आधी समझ आई आधी नहीं आई, लेकिन एक चीज़ जो है पब्लिक में उसको ये चल रही थी कि ये हमें आज़ाद अब होना पड़ेगा, कायदे आज़म ने कह दिया है कि आपको आज़ाद होना है अंग्रेज़ों से और सबसे आज़ाद होना है, तो पता चला कि आज़ादी के बारे में वो बात कर रहे हैं, और ये लाहौर का जो सेशन है वो असल में आज़ादी का सेशन, तो ये मेरे ख्याल में पैगाम था जो कि सारी पब्लिक को मिला। तो आप यानी दूसरे दिन भी आए फिर आप? हाँ दूसरे दिन आए, उनकी तकरीर सुनी ना, पूरी तकरीर सुनी बैठकर, आधी समझ आई आधी है, बल्कि 3/4 समझ नहीं आई, 1/4 समझ आई, लेकिन ये पता चल गया कि वो पाकिस्तान की आज़ादी का वो जिक्र हो रहा है, और उसमें
दरमियान में ऐसे वक्फे भी थे, ख़ासतौर पर वो गांधी का जब नाम लेते थे, बाद में मैंने तकरीर में वेरीफाई किया है, गांधी के बारे में बताते थे कि ये गांधी अपने आप को नेशनल कहता है, ये हिंदू है और ये हिंदुओं की ये सारी चीज़ उस जमाने में, उससे जरा पहले खाकसारों का मसला भी हुआ। हाँ जी, गोली चली थी। हाँ, कायदे आजम ने बड़े अच्छे अंदाज से उसको डील किया था और कहा था कि अब जुलूस कोई नहीं निकलेगा, किसी किस्म की कोई यानी झंडे नहीं लहराएंगे, लेकिन आप सबको कह दिया आप चले जाओ और हम गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन करो और सजा दो जिन्होंने हरकत की है, इससे वो सुकून हो गया। तो ये कायदे आजम की जो सारी चीज़, तो जब ये मौलवी फजलुल हक ने वो करारदाद पेश की, हाँ जी, उस वक्त भी आप थे वहाँ? नहीं, वो असल में वो दूसरे दिन पेश की ना। ठीक, हम थे, लेकिन सच्ची बात है कि पहले दिन जरा जोश खरोश ज्यादा था, दूसरे दिन बातें लोग बहुत कर रहे थे, करारदाद भी आ रही थी। ठीक, तो उसके बाद हम थे बिल्कुल, उस तरह की खामोशी नहीं थी। नहीं, वैसी खामोशी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक जनरल गोया के वो था, लेकिन उसके बाद फिर तकारीर उस दिन खत्म नहीं हुई, बल्कि ये बताया गया कि दूसरे दिन फिर आना है। ठीक, और रेजोल्यूशन आपको पता है एक दिन के बाद पेश किया, वह पास किया गया। तो ये फिर उसके बाद क्या आपको याद है, क्या रद्द अमल उसका हुआ और किस तरह? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरू शुरू में तो इसके बारे में ज़्यादा जज्बा और जोश नहीं था, मतलब लाहौर में बाकी जगहों पर अखबार में एक जिम्मेदार छपता था, एक एहसान छपता था, उसमें बड़ा चर्चा था। ठीक, लेकिन इसकी मुखालफत जो है वो उस हुआ ये था कि उससे कुछ अर्सा पहले कांग्रेस की वजारतें जिसमें मतलब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक, कांग्रेस ने दो साल पहले वजारतें बनाई थी और उन्होंने कमाल ये किया था कि पावर को इस्तेमाल करते हुए हिंदुआना रस्में इंट्रोड्यूस कर दी, सूबों में वजारतें बनी थी, बहुत ज़्यादा गोया कि उसका चर्चा था। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसी ज़माने में कायदे आज़म ने यौम निजात का, और शुरू में हमें समझ नहीं आया कि यौम निजात है क्या, पता चला कि वो उन्होंने अपने दो साल की वजारतों में बहुत बहुत ऐसी बातें की हैं जो कि एंटी इस्लाम है, उर्दू के बारे में मतलब और बेशुमार चीज़ें थी, वो तारीख में मजकूर है। तो लिहाजा उसके बाद फिर ये इसका चर्चा शुरू हो गया। अच्छा, हमें अच्छी तरह याद है लाहौर के अंदर, अगर मैं गलती नहीं करता तो साल या डेढ़ साल के अंदर लाहौर डिवाइड हो गया, एक वो एरिया जहाँ मुसलमान आबादियाँ थी, मसलन कश्मीरी बाज़ार, डब्बी बाज़ार, दिल्ली बाज़ार, एक जहाँ हिंदू थे, मसलन भाटी गेट के इस तरफ जो है छोटा सा, और शालमी गेट वगैरह। अच्छा, वो जलसे जुलूस जो होते थे वो आमतौर पर इन आबादियों के हवाले से होते थे, और एक उसमें ये बात भी हुई कि एक जलसा उसके बाद जो हुआ मेरे ख्याल में साल के बाद, तो वो मोची गेट में होना था, मगर वहाँ हिंदुओं और सिखों सिपाहियों ने पानी छोड़ दिया। अच्छा, उस जमाने में पुलिस ज़्यादा उनकी थी, तो बड़ा गुस्सा आया, तो इस्लामिया कॉलेज के तलबा ने ये फैसला किया कि वो जो ग्राउंड बहुत बड़ी है, सारे जलसे आप जहाँ करें हम देखेंगे कौन इसको। तो उसके बाद जो मैंने तारीख में इन्वेस्टिगेशन की है कि कायदे आज़म उस दिन से लेकर आज़ादी तक तकरीबन को 17 या 18 मरतबा लाहौर आए, 13 मरतबा इस्लामी कॉलेज, और वो एक हेडक्वार्टर था, उसमें बड़ी यादें वाबस्ता है। चले, और भी यादें आपसे सुनते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, शाम साहब यादें डॉक्टर साहब शेयर कर रहे हैं और जी चाहता है कि घंटों यही बातें हम करें। ठीक, अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने फिर जो दाखला लिया, मैट्रिक पास हो गया, तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखला लिया? गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे ऑटोमेटिक मिल गया, क्योंकि मैं लेकिन वालदैन ने मुखालफत की। आपने कितने नंबर लिए थे? मैंने मैं अभी इस वक्त मेरे ख्याल है ये फर्स्ट क्लास के जो हायर होते हैं ना, तकरीबन 20% उसे वो लिए थे मैंने फर्स्ट क्लास, और उसके बाद वो वालदैन चुके नहीं राजी से, तो फिर मैंने इस्लामी कॉलेज में, वो चाहते थे कि इस्लामी कॉलेज में दाखिला, इस्लामी कॉलेज में, चूँकि मुसलमानों का, क्योंकि उनको आपके वालिद साहब जो थे, वालिद साहब और वालदा दोनों, वो वालदा भी, और यानी तहरीक पाकिस्तान से और तहरीक आज़ादी से वाबस्ता थे, बड़ी वाबस्ता। ये तो मेरे ख्याल में उस जमाने में आम पब्लिक को भी ऐसी थी। ठीक, तो उसमें दाखिले के बारे में ये बता दूँ कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा लगा, अफसोस हुआ, लेकिन बाद में मैंने देखा कि सारी तहरीक उसी कॉलेज में चली है, मौका मिला। कायदे आज़म, हाँ, कायदे आज़म
देखे ना, मैंने अर्ज किया कि 13 मरतबा कायदे आज़म वहाँ तशरीफ लाए हैं इस्लामिया कॉलेज में, इस्लामिया कॉलेज में 18 मरतबा लाहौर में आए, ये मुहक्किकीन बताते हैं 18 मरतबा लाहौर में आए हैं, 13 मरतबा इस्लामिका, चूँकि इस्लामिका मरकज़ बन गया था मुस्लिम लीग अब का पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का, ठीक, और इस्लामिक कॉलेज के हवाले से दो यादें और हैं अगर आप कहें तो उसी ज़माने की, चूँकि बड़ा जोश खरोश था ऑल अराउंड। एक तो ये है कि वो 1946 में जो मतलब मैं उस माने में बीए मैंने कर लिया था, एमए पंजाब में दाखिल हुए, उसमें दो सब्जेक्ट में मेरी फर्स्ट क्लास आई, ठीक, तो जलसा तकसीम असनाद वो गोया के ये वो उसके मुनाकिद किए गए, और उस दिन एक ग्राउंड के अंदर गोया के टेंट लगे हुए थे और वहाँ कायदे आज़म तकसीम कर रहे थे, ठीक, और हमारे ग्रुप में सरताज अजीज भी थे, अच्छा, टेम्परेरी क्लास, वो ज़रा आगे थे, मैं दरमियान में कहीं था। अब ये हुआ कि वो ऊपर चढ़ने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ थी, ठीक, तो वो डोलती थी क्योंकि तो बहुत से लड़के गिरते गिरते, मैं जब चढ़ने लगा तो मैं तो गिरी पड़ा नीचे, ठीक, तो एकदम झाड़ के उठ, तो कायदे आज़म की गर्जदार आवाज़ कि यू हैव टू गेट अप योर सेल्फ, नो बॉडी इज गोइंग टू लिफ्ट यू अप, वहाँ इतनी तालियाँ बजी। और वहाँ उस ज़माने में एक अंग्रेजी मुसलमानों का अखबार छपता था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें ये बाकायदा कोट किया गया था, तो ये कायदे आज़म की एक जैसे खुद उठना पड़ेगा, कोई नहीं आपको उठाएगा, और ये ये पैगाम भी था, शेर जो है मौलाना ज़फ़र अली खान का, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, और कुरान भी यही कहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर आप उठ के गए और कायद से नहीं, बिल्कुल लिया जो उनसे मैंने सनद और दो किताबें, मेरे दो सब्जेक्ट से मेरी फर्स्ट क्लास आई थी, उन्होंने मतलब बड़े प्रतिभा सबको दे रहे थे, ये तो एक वाक्य हुआ ना, वो आमतौर पर बच्चों के साथ बात करने में इंटरफियर करते थे, बाग में बैठते थे तो कोई अगर बात की हो रही हो तो उसमें कोई नुक्ता तराजी करनी हो तो कर देते थे, तो ये उनकी एक मोहब्बत थी बच्चों के साथ। आखिर में फिर मैं मुझे याद है कि जब पाकिस्तान बन गया और बड़ी कत्लो गारत की इन्होंने सिखों ने और ये ईस्ट पंजाब के लोग आए, तो लाहौर में फ़जा बड़ी सोगवार थी, शायद उसमें कायदे आज़म ने फिर जलसा किया पाकिस्तान बनने के बाद गालबन नवंबर में, जो लाहौर का एक बहुत बड़ा जलसा था यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हुआ था, और उस जलसे में उन्होंने कोई 4-5 मिनट उर्दू में तकरीर की, बाद में अंग्रेजी में, हम सारे इस्लामिक कॉलेज के लड़के थे वहाँ उनके करीब बैठे हुए थे। उनका एक मशहूर फिक्रा है जो कि आजकल पाकिस्तान टेलीविज़न में और जगहों पर दोहराया जाता है, हमने रिकॉर्ड किया था ट्रस्ट में, ठीक, वो फिक्रा उनका है आपको लोग सुनने वाले, वो ये था कि उन्होंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान मुसीबत में घबराया नहीं, मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते, बिल्कुल इस अंदाज से का ये उनका अंदाज था, तो वो हमें याद है, यादें उनकी, तो ये कायदे आज़म के हवाले से इस किस्म की। डॉक्टर साहब ये जो यानी यहाँ जो लाहौर में भी कत्लो गारत हुई? नहीं, लाहौर में कत्लो गारत हुई शुरू में इब्तदाई तौर पर सिखों के मामले में, वहाँ से उनको निकाला गया, सिखों ने एक्चुअली राजगढ़ के मुसलमान जो रहते थे ना वहाँ हमला किया था पाकिस्तान बनने के फौरन बाद, ठीक, उनका ख्याल था कि लाहौर इंडिया में जाएगा, ठीक, इस ख्याल से, तो उसका नतीजा ये निकला कि फिर वो रिएक्शन शुरू हो गया ना, ठीक, लाहौर में ये हुई है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं, कोई यहाँ से वो चले गए, ठीक, कतारें लग गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो लाहौर के बाद जितने ये दरवाजे हैं, भाटी गेट और लोहारी गेट और बोची गेट वगैरह, ये सारे स्टेशन की तरह रास्ता जाता है ना, ये भरे हुए थे टांगों से, उसमें ये लदे हुए जा रहे थे जो सामान ले जा सकते थे, और मेरे ख्याल में उस जमाने में अटैक नहीं हो रहा था, ठीक, लोगों का ख्याल था कि इनसे दौलत जितनी है कि सीर सकते हैं बोले, तो ये लाहौर जो है अगर मैं गलती नहीं करता तो ये कोई तकरीबन कोई 3 या 4 हफ्ते में खाली हो गया, लेकिन ये याद रहे कि ईस्ट पंजाब में 58 लाख मुसलमान, आई एम सॉरी 53 लाख मुसलमान मर्द शुमारी के लिहाज से बसते थे ईस्ट पंजाब में, वो तकरीबन 4 या 5 हफ्ते में सबको निकाल दिया, कत्ल कर दिया, अगवा, तो ये उसके रिएक्शन। शामी साहब अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम वक्त जो है वो ख़त्म होने के करीब आन पहुँचा है, और दिल तो बहुत है कि बहुत तवील गुफ्तगू होती, कुछ यादें मजीद हम डॉक्टर साहब से सुनते जानते इन्होंने क्या देखा, तो मुख्तसर ये फरमा दीजिए आपके कायद से आपकी फिर दो ही मुलाकातें हुई,
नहीं, मैंने मुलाकातें दो आपकी ज़ाती तौर पर जो आमना सामना, हाँ तो दो ही मुलाकातें हुई और एक तो उनको वहाँ तक सुना और उसके बाद फिर एक मुलाकात मेरी हुई ये कैंप जो है वार्टन ट्रेनिंग कैंप जी, जब जहाँ जहाँ भी यादगार बननी है और नहीं बन सकी बस ये अनफॉर्चुनेट है, हमने कई बार कहा है तो वर्कर्स में जो उस जमाने के थे मैं भी शामिल था तो वहाँ कायदाज में एक बार तशरीफ लाए हैं और वह औरतों के ख़ास तौर पर जो हॉस्टल था वहाँ ख़वातीन रहती थी तो उनके बड़े आपदीदा थे तो वहाँ उन्होंने फिर दो चार बातें की तो हम सारे जितने 10-12 वर्कर थे वो उनके साथ साथ ही रहे हैं, उनकी बातें सुनते रहे हैं तो ये उनको देखा आखिर में जो आखिरी हुआ। तो कैसे याद आता है कायदे आज़म की शख्सियत को कैसे बयान करेंगे आप चंद अल्फाज में? मैंने तो अर्ज़ किया है कि एक तो बात क्लियर करते थे, यानी क्लियर बात करते थे और उर्दू भी अच्छी बोलते थे, यानी लोग समझते उर्दू नहीं बोलते थे और ये वही है जैसे कि शुरू में जो मैंने किया ना कि एचकन डाली हुई है और जना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं वहाँ बैठे हुए बच्चों के साथ बड़ों के साथ, यानी हौसले की बातें करते थे और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का नाम कई बार लेते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब सदर मुमलिकत के हवाले से भी एक बात आपने करनी है, वो हम अगले हफ्ते जो प्रोग्राम होगा उसमें वजाहत कर देंगे। नाज़रीन खुश रहिए, खुश रखिए और पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।